हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट फॉर टिश्यू कल्चर। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस मीडिया क्या होता है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और जो केमिकल्स यूज होते हैं एमएस मीडिया बनाने में। बट मीडिया तो हम लोगों ने बना लिया, आफ्टर मीडिया हमको अगर किसी प्लांट को टिश्यू कल्चर करना है तो उसका जो एक्सप्लांट होता है, जिसको हम पार्ट जो लेते हैं, उसको स्टरलाइज करेंगे। तो उसके स्टरलाइज का क्या मेथड्स, कैसे कैसे प्रोसेस है, केमिकल्स क्या यूज होते हैं, उन सबको मैं बताऊंगा। तो एक्सप्लांट एनी स्पेसिफिक पार्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स से लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका पार्ट स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, शूट टिप्स एट्सेट्रा। एंड फॉर एग्जांपल लाइकोपर्सिकन स्क्विलेंटम टोमेटो, म्यूसा पैरासिडिया का बनाना, एगिल मार्मेलोस बेल। सो जो एक्सप्लांट होता है, इस फिगर में दिख रहा होगा, एक तो हम पॉलन ग्रेन्स ले सकते हैं और ऊपर का पोर्शन जो है शूट टिप वो दिख रहा होगा वहाँ पे, एंड नोडल सेगमेंट्स ले सकते हैं जो कि जो हमारा स्टेम होता है उसके बीच का पोर्शन जहाँ से लीव्स निकलते हैं, वहाँ से अगेन छोटी छोटी लीव्स निकलते हैं, नया जो ब्रांचेज होता है जिसको बोलते हैं। देन लीव्स हम ले सकते हैं, कई कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव्स के लिए सूटेबल होते हैं अच्छे, और मेरिस्टमेटिक जोन। तो देखो, ये जब दिया गया है एक्सप्लांट, ये हर एक प्लांट का स्पेसिफिक होता है, क्योंकि सभी प्लांट का कोई पोर्शन होता है जहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, कैलस बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टमेटिक जोन होता है हमारा, जिसे बनाना प्लांट हो गया, उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नोडल सेगमेंट्स काफ़ी बेसिक्स प्लांट होते हैं उनके लिए मोस्टली, और शूट टिप मोस्टली यूज़ किया जाता है। देन क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं जो कि स्टरलाइजेशन करने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है सम केमिकल्स, एक चार्ट है, एंड उसका कंसंट्रेशन एंड उसका टाइम्स कितने मिनट के लिए हमको स्टरलाइज करना है। तो स्टरलाइज मैं बार बार कह रहा हूँ, तो स्टरलाइज का मतलब क्या होता है? स्टरलाइज का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री करना। किसी पार्ट हो गया कोई एक्सप्लांट, उससे हम बैक्टीरिया, फंगस, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको वहाँ से किल करते हैं। उसको मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो किल नहीं होते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए हो जाते हैं कि अपना रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब ग्रोथ ही नहीं होता उनका, सीधे एक्सपोज कर देते हैं। तो केमिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1 से 1% लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड 1 से 2% लेते हैं 10 से 30 मिनट के लिए, एंड हाइड्रोजन परॉक्साइड 20 से 40% 10 से 30 मिनट के लिए। हाइड्रोजन परॉक्साइड ये मोस्टली आप लोग देखे होंगे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई वुंड क्रिएट हो जाता है, चोट लग जाती है, कुछ भी घाव बन जाता है, तो जाते हैं पहले उसको वॉश करते हैं किसी चीज़ से, और हमको लगता है जहाँ चोट लगा रहता है जैसे जलन होती है, तो ही सोडियम जो हाइड्रोजन परॉक्साइड ही होता है। देन सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इथेनॉल C2H5OH इसका 70% से 95% होता है 0.1 से 5 मिनट के लिए। ये जो होता है मोस्टली लैब में यूज किया जाता है इथिल अल्कोहल। देन उसका प्रोसेस क्या है आपको बताता हूँ। और जो इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, इसका यूज करते हैं काफ़ी बचा के, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है और ये डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए, कई सारे किडनी वगैरह फेल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन व्हाट इज द प्रोसेस, तो प्रोसेस में पहले हम एक एक्सप्लांट लेंगे, टेक एक्सप्लांट 2 से 5 सेंटीमीटर, पहले हम कोई सेगमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल नोडल सेगमेंट ले लिए, देन उसको हम वॉश करेंगे डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट पॉलीसॉर्बेट हो गया, 10-20 मोस्टली कॉमनली ही यूज़ करते हैं हम, अनदर भी कई सारे होते हैं बट हम ये यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट का यूज़ करने का ये मतलब होता है कि डिटर्जेंट जो होता है, पानी जो वाटर होता है एंड जो डस्ट वगैरह लगे होते हैं पार्टिकल्स हमारे जो प्लांट हो गया एक्सप्लांट, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो होते हैं और इन्वायरमेंट में तो डस्ट वगैरह सब पाए जाते हैं, तो उसको वाटर एंड डस्ट जो होता है उसके साथ रिएक्शन करके मिसेल बनाता है, केमिस्ट्री में होता है मिसेल, और उसको वॉश कर देता है। तो इसमें हम लेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स 5 मिनट्स के लिए, उसको वॉश करेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से। और हम कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं डिटर्जेंट का, इसीलिए उसका भी यूज करेंगे जिससे साफ़ हो जाए। देन उसको साफ़ करने से बाद उसको टैप वाटर से 3 टाइम वॉश करेंगे, 3 टाइम्स मीन्स 3 बार अलग अलग। देन हम लेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl दिया गया है ना, 3 से 4 ड्रॉप्स इन डिस्टिल वाटर, स्टरलाइज वाटर में।
डिस्टिल्ड वाटर मिलेंगे। इसको मैंने टैप वाटर में किया था वाश डिटर्जेंट से, बट ये सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उससे बनाया जाता है। उसमें कंडेंसेशन होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं। उसको 10 मिनट्स के लिए हम स्टरलाइज करेंगे, देन अगेन उसी बार वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से 3 से 4 टाइम। ये तो हमारा एक बार हो गया यहाँ पे स्टरलाइज और वॉश। देन हम इसको जब हम ले जाएंगे लेमिनार फ्लो में इनोकुलेट करने के लिए, तो वहाँ एक बार हम करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड से 0.1%। 0.1% में हम 100 मिलीग्राम लेंगे 100 ml में, और 10 मिलीग्राम लेंगे 10 ml में, बट 100 मिलीग्राम 100 ml में लेते हैं मोस्टली। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर। तो यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, ऑटोक्लेव ही क्यों यूज करते हैं? ऑटोक्लेव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑटोक्लेव का वर्क होता है एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, और अपने स्टीम के द्वारा उसको यानी कि स्टरलाइज कर देता है उस वाटर को। वाटर भी स्टरलाइज रहेगा, हम मर्क्यूरिक क्लोराइड भी करेंगे वो भी स्टरलाइजेशन के लिए। और देन इसको हम करेंगे 15 मिनट के लिए स्टरलाइज एसेप्टिक कंडीशन मीन्स लेमिनार एयर फ्लो में। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसको भी अगेन 3 से 4 बार वॉश करेंगे ऑटोक्लेव डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद वॉश करने के बाद इनोकुलेट कर देंगे एक सूटेबल मीडिया में, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं एमएस मीडिया। तो एमएस मीडिया से इनोकुलेट करने से पहले उसको अगेन हम कट करेंगे ब्लेड से, कुछ पोर्शंस हटाएंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका है नोडल सेगमेंट, तो ऊपर एक बार कट कर देंगे हम यहाँ पे, देन नीचे कर देंगे अगेन, देन इसको हम इनोकुलेट करेंगे और इसी पोजीशन में इनोकुलेट करेंगे मीडिया के अंदर। ओके थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोलॉजी जूलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।